नेक्स्ट है बेटा हमारा केस सेकंड, व्हेन अ पॉलीनोमियल इज़ ए कॉमन मल्टीप्लायर ऑफ ईच टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। कि आपको कोई एक्सप्रेशन दिया है तो उस एक्सप्रेशन में एक कॉमन मल्टीप्लायर दिया है। जैसे सम नंबर 5 है, 7 इंटू एक्स प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू एक्स प्लस 5। अब आप इसको देखो, इस एक्सप्रेशन में एक्स प्लस 5 जो है दैट इज़ ए कॉमन मल्टीप्लायर, यानी ये इस वाली टर्म के पास भी है और यहाँ पे भी है। तो ऐसे सम तो बहुत ही ईजी हैं, जो कॉमन मल्टीप्लायर है उसको बाहर ले लो और उसकी लोएस्ट पावर लेनी है, तो लोएस्ट पावर 1 है तो यहाँ पे रह गया। सॉरी, इसके साथ एक चीज़ और देखें, 7 जो है, 7 इज़ ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 14, तो 7 भी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर रह गया एक्स प्लस 5, बिकॉज एक पावर बाहर आ गई, ये 2 टाइम्स दिया है, एक बार बाहर आ गया तो एक बार इनसाइड द ब्रैकेट। और 7 का, अगर 7 14 का फैक्टर है तो 7 2 जा 14, तो यहाँ पे कितना रह गया, 2 रिमेनिंग। अब आ गया 7 एक्स प्लस 5, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एक्स प्लस 5 माइनस 2, तो ये आ गया एक्स प्लस 3। तो यानी जो आपका गिवन एक्सप्रेशन था उसके फैक्टर्स आ गए 7 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये मेथड है जिसमें आपको एक कॉमन मल्टीप्लायर जो है वो दिया हुआ है। कई बार कुछ सम में मल्टीप्लायर गिवन नहीं होगा तो आपको टर्म्स को कंबाइन करके बनाना भी पड़ता है। जैसे एक हम और देखते हैं इसके साथ का, 6 है, 4 इंटू 3x माइनस 5y होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू 3x माइनस 5y। 4 12 का फैक्टर है, 4 बाहर आ गया, और 3x माइनस 5y कॉमन फैक्टर है, वो भी बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचा 3x माइनस 5y प्लस 3। अब यहाँ पे टर्म्स कंबाइन नहीं हो सकती बिकॉज ये वेरिएबल वाली टर्म्स हैं और ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये तीनों ही इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स जो हैं आ गए। ठीक है, तो ये था केस सेकंड जिसमें हमें कॉमन मल्टीप्लायर जो है वो गिवन है। अब एक सम ऐसा देखेंगे जिसमें कॉमन मल्टीप्लायर गिवन नहीं होगा, हमें बनाना पड़ेगा। सम नंबर 8 देखते हैं बेटा, सम नंबर 8 है, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4xy प्लस 20x। अब इसमें सबसे पहले देखो, हमें तो कॉमन भी कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि टर्म्स को कंबाइन करके कुछ कॉमन फैक्टर बनता है। पहले हम इन दो टर्म्स को देखते हैं, इसमें से मैं y कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि दोनों के पास है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया y प्लस 5। अब इन टू टर्म्स में 4 कॉमन ले सकते हैं और साथ में x, जैसे हमने फर्स्ट केस के सम डिस्कस किए थे, तो यहाँ भी आ गया y प्लस 5। अब देखिए, दोनों में y प्लस 5 आ गया, तो y प्लस 5 कॉमन एक फैक्टर बन गया। अब यहाँ 1 टाइम था, 1 टाइम बाहर आ गया इनसाइड द ब्रैकेट y, यहाँ भी 1 टाइम था बाहर आ गया, तो 4x। तो इस एक्सप्रेशन के जो फैक्टर्स बन गए y प्लस 5, y प्लस 4x। तो ऐसे किसी में अगर कॉमन नहीं है तो आपको टर्म्स को कंबाइन करके बनाने पड़ेंगे कि कॉमन आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। नेक्स्ट है हमारा केस 3, व्हेन द एक्सप्रेशन इज़ अ डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। जब आपको एक्सप्रेशन जो है वो डिफरेंस दिया हो स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, जैसे 12th क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 144, ऐसे सम्स ये हों और आपको फैक्टर्स बनाने हो। सबसे पहले आप देखो, एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब 144 किसका स्क्वायर है, अगर आपको स्क्वायर्स याद हो तो ये 12 का स्क्वायर है। अब ये बन गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको अभी मैंने आइडेंटिटीज़ बताई थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटीज़ ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ कर देंगे, ए ये है और बी ये है, एक बार टर्म प्लस में ए प्लस बी और एक बार टर्म्स माइनस में, यानी जो आपका गिवन एक्सप्रेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 144 उसके फैक्टर्स आ गए एक्स प्लस 12 एक्स माइनस 12। 13 सम देखेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 294। अब सबसे पहले देखो, अगर आप देखें तो 6 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं। अब आप देखो, 6 294 का फैक्टर है या नहीं,
अगर है तो हम 6 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ये फैक्टर बन जाएगा 6 4 जा 24 6 9 जा 54, यानी 6 कॉमन लिया तो इनसाइड द ब्रैकेट 49 आ गया। अब आप इसको ब्रेक करोगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर और 49 जो है दैट इज़ 7 स्क्वायर। अगेन दिस इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। तो ये हमने डिस्कस किए जिसमें आपको डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स जो है गिवन है। बहुत सारे सम है इस एक्सरसाइज में, ऑलमोस्ट 40 सम्स हैं, तो 2 या 3 सम एवरी केस के डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी आप खुद प्रैक्टिस करिए, और कुछ मैं पीडीएफ में सम्स जो हैं वो भी भेज दूँगी बेटा, तो आपको क्लियर हो जाएगा।